हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन शुरू किया था, तो आज हम लोग कुछ और बातें करते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन देखिए, फंक्शन हमने आपको बताया था कि सिंपली क्या होता है। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए कोहरेंट टास्क ऑफ सम काइंड। तो मतलब फंक्शन क्या था, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट था जो सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है किसी भी स्पेशल तरीके का। अब इसमें क्या होता है कि फंक्शन के बारे में देखिए, और बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए हमने कहा कि से कोई भी, हमने ये लिखा मेन, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा मेन, ठीक। उसके बाद हमने मेन की बॉडी स्टार्ट की और यहाँ कोई फंक्शन हमने लिख दिया से मैसेज मैसेज, और ये क्लोज कर दिया हमने। फिर यहां हमने कहा कि प्रिंट एफ, और यहां हमने लिखा स्लैश एन, यहां पे हमने लिखा कि कुछ भी हमने लिख दिया। मान लीजिए स्पीक लाउडली कॉमा एंड यू स्टॉप द मोनोटोनी। ये हमने कोई स्टेटमेंट इसमें दे दिया, ठीक। कोट्स क्लोज, यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो गया, ठीक। और ये मेन फंक्शन हमने बंद कर दिया यहाँ पे। अब ये जो देखिए, अब इस पे जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइलर विल आस्क, या यहाँ पे आके प्रोग्राम रुकेगा कि भाई ये क्या है, क्योंकि मैसेज को अभी हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है। तो इसलिए जो मैसेज नाम का जो आपने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर भले ही एक ही स्टेटमेंट है, आप और भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो मैसेज फंक्शन है ये क्या कर रहा है। तो इसको हम नीचे डिफाइन कर देते हैं कि साहब मैसेज जो है, ये हमने डिफाइन किया मैसेज ये, और मैसेज की यहाँ हमने बॉडी डिफाइन कर दी। अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखना चाहें, मान लीजिए हमने कहा प्रिंट एफ, यहाँ हमने लिख लिख दिया से स्लैश एन करके स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू एंड द वर्ल्ड मुस्कुराइए, दुनिया आपके साथ मुस्कुराती है, ठीक है। एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू, कुछ भी आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब जब आप इसको रन कराएंगे इस प्रोग्राम को, तो जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल इस लाइन पे पहुंचेगा, जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल इस लाइन पे पहुंचेगा, वो जाके यहां से मैसेज की बॉडी में जाके और जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट कर देगा। तो यानी पहले ये प्रिंट एफ होगा, उसके बाद ये लाइन प्रिंट एफ होगी, ठीक है। तो ये यूज होता है फंक्शन का। अब यहाँ पे क्या है कि थ्रू मेन वी आर कॉलिंग द फंक्शन मैसेज। अब इसमें क्या है कि ये जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम इस मैसेज को कॉल कर रहे हैं, ठीक। अब इसको कहते हैं कि व्हेन द मेन कॉल्स द फंक्शन मैसेज, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट द कंट्रोल पासेस टू द फंक्शन मैसेज। अब द एक्टिविटी ऑफ मेन इज टेम्परेली सस्पेंडेड, इट फॉल्स असलीप वाइल द मैसेज फंक्शन वेक्स अप एंड गोज टू वर्क। व्हेन द मैसेज फंक्शन रन्स आउट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट द कंट्रोल रिटर्न्स टू मेन। मतलब क्या हुआ कि देखिए, फिर से इसको बता रहा हूँ, समझ लीजिए कि मेन यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, यहाँ पे आए, अब मेन फंक्शन ने क्या किया, मैसेज फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने का मतलब ये चला गया इसकी बॉडी में यहाँ पे। अब जब जिसके स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद और कोई तो स्टेटमेंट है नहीं, तो उसके बाद फिर जब इसके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, तो फिर प्रोग्राम का कंट्रोल वापस लौट के इस लाइन पे आ जाएगा जहां से इसको कॉल किया गया था, वहीं से इसकी नेक्स्ट लाइन पे प्रोग्राम का कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। तो ये बेसिक होता है मेन फंक्शन के लिए, ठीक है। अब
ये तो हमने आज आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता दी ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाए कि फंक्शन होता क्या है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी बेसिक चीजें जो है आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंड प्रोग्राम सेगमेंट दैट कैरीज आउट सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। ठीक है, एवरी सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन, यानी हर सी प्रोग्राम में एक या एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं। वन ऑफ दीज फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड मेन, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल ऑलवेज बिगिन बाई कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन इन मेन। तो अब किसी भी सी प्रोग्राम में हम बात करेंगे तो एक या एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं, और उसमें एक ये जो फंक्शन मेन है जिसको हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं, ये भी तो फंक्शन ही है ना, ये जरूर होगा। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम जो है सी प्रोग्राम बगैर मेन के नहीं बन सकता है, तो वन ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड मेन। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल ऑलवेज बिगन बाई कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन इन मेन, एडिशनल फंक्शन विल बी सबॉर्डिनेट टू मेन एंड परहैप्स टू वन अनदर। तो देखिए जो भी और फंक्शन आप बनाएंगे, मान लीजिए आपने F1 फंक्शन बनाया, F2 बनाया, सम बनाया, और कुछ आपने मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन का नाम आपने MULT मल्ट रख दिया, जो भी फंक्शन आप, वो मेन के अंदर ही बनेंगे। ठीक, तो इसलिए एक या एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं सी प्रोग्राम में, और अगर एक फंक्शन है तो वो मेन होगा, बाकी सारे फंक्शन इसके अंदर ही कॉल किए जाएंगे, इसके अंदर ही कॉल किए जाएंगे मतलब इस्तेमाल होंगे, उनकी बॉडी आप इसके बाद डिफाइन कर दीजिए। जैसे आपने कहा कि साहब F1 में क्या है, तो आपने इसके स्टेटमेंट्स यहाँ लिख दिए। ठीक, फिर आपने कहा F2 में क्या है, उसके स्टेटमेंट्स आपने यहाँ लिख दी, वो ठीक है, लेकिन इसकी कॉलिंग F1 को जो कॉल किया जाएगा, यानी F1 को जो इस्तेमाल किया जाएगा, वो यहीं से कॉल किया जाएगा, और ये सारे स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो वापस इसके बाद यहां से प्रोग्राम का कंट्रोल इसकी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये चीज अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक, आगे क्या है कि इफ ए प्रोग्राम कंटेन्स मल्टीपल फंक्शंस देयर डेफिनेशंस में अपीयर इन एनी ऑर्डर, मतलब जैसे अगर मान लीजिए प्रोग्राम में F1, F2, सम, मल्ट, ये चार फंक्शन है, तो ये जो हमने F1, F2 ऐसे डिफाइन किया हुआ है, इसको मान लीजिए आप पहले F2 को डिफाइन कर दें फिर F1 को डिफाइन कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दे कैन बी डिफाइंड, दे मे अपीयर इन एनी ऑर्डर, दो दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे आपने F1 फंक्शन को डिफाइन किया है, इसके स्टेटमेंट्स आपने डिफाइन किए हैं, इसके अंदर आप F2 नहीं डिफाइन कर देंगे और ऐसे कर देंगे, ये तो ये गलत हो जाएगा। सारे फंक्शन अलग अलग डिफाइन, कोई भी फंक्शन एक दूसरे में एम्बेडेड नहीं होना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि ए फंक्शन विल कैरी आउट इट्स, देखिए जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ इसको माइन्यूटली समझ लीजिए, उसमें आपको प्रोग्रामिंग करने में आसानी रहेगी, कहाँ कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है वो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थ्योरी पे इतना टाइम लगा रहा हूँ। A function will carry out its intended action whenever it is accessed from some other portion of the program. The same function can be accessed from several different position. मतलब same function को आप program में कई जगह से call कर सकते हैं, उसका कई जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Once the function has carried out its intended action, control will be returned to the point from which the function was accessed. जो यही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये यहाँ पे फंक्शन F1 को कॉल किया गया था, तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आया था, यहाँ पे F1 के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद वापस प्रोग्राम का कंट्रोल उसी पॉइंट पे पहुँच जाएगा जहाँ से वो कॉल किया गया था। क्लियर, तो ये सब चीज़ें प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले ये सब चीज़ें आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और है कि फंक्शन के बारे में बताना कि जनरली ए फंक्शन विल प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट इज पास टू इट फ्रॉम द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। जनरली क्या होता है कि कोई फंक्शन प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, दैट इज पास टू इट फ्रॉम द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसे अभी हमने मैसेज वाला आपको एग्जाम्पल बताया था, अब मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए हमने
दो नंबरों का हमें एडिशन करना है, उसका फंक्शन हमने बनाया है S1, ठीक है। S1 में हमने क्या किया कि हमने दो नंबरों को ऐड कर दिया, हमने लिख दिया C इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये काम हम कर रहे हैं। अब जब हम मेन फंक्शन में, ठीक है, और मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए बी सी, और यहाँ हमने एक और वेरिएबल ले लिया एस, ठीक। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट एफ कराया दो वैल्यू, हमने लिखा एंटर, हमने एंटर कराया एंटर द टू वैल्यूज, ठीक है, दो वैल्यूज एंटर करा दिया हमने। अब स्कैन एफ किया, यहाँ पे हमने स्कैन एफ और परसेंटेज डी और एम परसेंट ए एम परसेंट बी। अब ये दो नंबर हमको ऐड करने हैं S1 की मदद से। तो अब इसमें क्या होगा कि इन दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसको ऐड करने के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दो वैल्यूज को हमने एंटर करा दिया, और अब यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया S1, ठीक है। तो केवल आप S1 लिखेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि S1 क्या कर रहा है, दो नंबरों का एडिशन कर रहा है। तो इसलिए जब आप S1 कॉल करेंगे तो आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी कि किसके लिए आप कॉल कर रहे हैं। तो आपने यहाँ लिख दिया S1 कॉल किया ए और बी के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि S1 कॉल होगा, दो नंबर मान लीजिए आपने 2 और 3 एंटर किए हैं, तो 2 और 3 ये 5 कर देगा। अब करने के बाद क्या होगा, तो करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने लिखा, मान लीजिए कोई वेरिएबल ले लिया हमने, यहाँ पे लिया हुआ है सी, ठीक है, एक ये एस लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे या तो S1 इज इक्वल टू ए कॉमा बी लिखा, या हम इसको एस इक्वल टू S1 ए कॉमा बी लिख दिया हमने। तो अब जब यहाँ आप रिटर्न करेंगे, रिटर्न सी, तो सी में जो वैल्यू 5 आई है, ये रिटर्न होके ये वैल्यू पहुंचेगी एस में, और फिर यहाँ पे आप प्रिंट एफ लिख सकते हैं द टोटल ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड कॉमा एस, और ये बंद कर देंगे और यहाँ पे मेन की बॉडी बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो फंक्शन, ये कहलाएगा कॉलिंग फंक्शन और ये कहलाता है कॉल्ड फंक्शन। तो जो कॉलिंग फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही कॉल करता है इस फंक्शन को, कॉल्ड फंक्शन को, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड फंक्शन। तो इस तरह से फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो यही ये कह रहा है कि ये फंक्शन विल प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट इज पास टू इट फ्रॉम द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। तो देखिए यहाँ से कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम मतलब ए और बी की वैल्यू इसमें ट्रांसफर की गई, ठीक, और ए और बी का सम किया इसने 5, और 5 को ये रिटर्न सी, तो 5 को इसने वापस भेज दिया, यहाँ पे एस में 5 आ गया, तो ये रिजल्ट में 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। इंफॉर्मेशन इज पास टू द फंक्शन वाया स्पेशल आइडेंटिफायर कॉल आर्गुमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड पैरामीटर। तो जब आप ये इस तरह लिखेंगे, आप एस इक्वल टू, आपने लिखा एस इक्वल टू S1 ए कॉमा बी, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स ऑफ ए फंक्शन, या इनको पैरामीटर भी बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक। और जो रिजल्ट है दैट इज रिटर्न बाय द रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये हमने जैसे लिखा था रिटर्न सी, तो जो रिजल्ट है वो रिटर्न स्टेटमेंट से, रिटर्न RETURN रिटर्न सी ऐसे किया हमने, तो रिजल्ट इससे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सम फंक्शंस हाउएवर एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन बट डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। कुछ फंक्शन जैसे अभी हमने मैसेज वाला बताया था, तो उसमें तो, या हमने कहा कि मान लीजिए सी की वैल्यू को हम यहीं अगर प्रिंट करा दें तो फिर इसको सी रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर सी की वैल्यू को हम S1 में ही यहीं पे लाइन दे दें कि प्रिंट एफ दैट सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड और सी, तो
तो फिर कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो सम फंक्शन हाउएवर एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन बट डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, जैसे प्रिंटर फंक्शन होता है, वेयर एज अदर फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, कुछ फंक्शन जो है वैल्यू एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन भी डिजाइन होते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं। तो आगे जैसे धीरे धीरे हम प्रोग्राम शुरू करेंगे बनाना फंक्शन के, तो चीजें आपको और क्लियर होती चली जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।